लगातार हो रही शहर में चोरियां, पुलिस को भी मिल रही लगातार चोरी की वारदात के सीसीटीवी फुटेज, फिर भी पुलिस कोई भी आरोपी को नहीं तलाश पाई। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र को आज कल चोरों ने अपना निशाना बना रखा है। चोरों ने कोतवाली थाना क्षेत्र में 20 से 25 घरों के ताले चटकाए कर पुलिस के पसीने छुड़ा रखे है। शहरी क्षेत्र में लगातार चोरी पर चोरी हो रही है, लेकिन पुलिस को चकमा देकर होशियार चोर गायब हो जाते हैं। हालांकि पुलिस के पास कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज, वहाँ अन्य गतिविधियां, फिर भी पुलिस उन आरोपियों तक पास नहीं पहुंच पाती। पुलिस को अभी इसमें कोई भी सफलता नहीं मिली है। 2 महीने से लगातार सिर्फ शहरी क्षेत्र में चोरियां हो रही है, लेकिन कोतवाली थाना की पुलिस इन चोरों को पकड़ने के लिए चक्कर घिन्नी हो गई है। ना पुलिस को आरोपी मिले और ना आरोपी का कोई सुराग। अब आला अधिकारियों ने पुलिस की एक टीम गठित की है, जिस टीम ने कुछ चुनिंदा पुलिस वाले शामिल है जो चोरी का खुलासा करेंगे और आरोपियों को धर दबोचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। टीम बनाने के बावजूद भी अब पुलिस के हाथ आरोपी तक नहीं पहुंच पाए हैं और चोर बेखौफ वारदात करते जा रहे हैं। पुलिस चोरी की वारदात सीसीटीवी को देखती ही रही, पर चोरों की पहचान नहीं हो पा रही है और न ही वारदातों को रोक पा रही है। बड़ौदा रोड से रात को जब पुलिस शहरी क्षेत्र में गश्ती पर रहती है, तब लग्जरी इनोवा गाड़ी से 12 बकरे चोरी, न्यायालय के बाबू के घर से मोटरसाइकिल चोरी, विकास नगर में सोने के जेवरा समेत 80,000 नकदी चोरी, सलापुरा में एक साथ 5 घरों में तालों को तोड़कर चोरी। ऐसे ही चोरों ने पुलिस कर्मियों के घर में भी चोरी की, साथ ही कई अन्य चोरियां भी हुई है, जहां कहीं से लाखों तो कहीं सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं। 2 महीने में ही लगभग 20 से 25 चोरियां शहर क्षेत्र के अंदर हो चुकी है, जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र में आता है। एक तरफ तो पुलिस गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहर में सुरक्षा व्यवस्था भी नजर नहीं आती। पुलिस की तीसरी आंख काम नहीं कर पा रही है। श्योपुर संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। का भी प्रकरण संज्ञान में है और उसमें भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इसी तरह से जो अभी एक चोरी हुई है उसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण सुराग मिला है आया है। इसका प्रॉपर जांच के बाद इसमें जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और इसको पूरा गंभीरता से लेकर इसकी जांच की जाएगी। मेरा 1 से 1.5 लाख का माल था। रात को मैं बाहर से माल खरीद के लाया और मैंने 8 बजे 9 बजे करीब बंद करे। उसके बाद में सवेरे जो आया मेरे 12 से 14 बकरे करीबन चोरी हुए। 1.5 लाख रुपये का माल है मेरा, 1.5 लाख के लमसम का पुलिस कर दी है, तो वो उसकी छानबीन कर रही है, कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं मार्केट के। ऐसी घटना कभी भी नहीं है मार्केट में, पहली बार हुई यहाँ। तो मैं है ना, जैसे ही मैंने ये देखा पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, तो मैं तुरंत है ना थाने गया सूजी कोतवाली में। वहाँ पर उन्होंने बोला कि एक है ना आवेदन लिख के दो, हम अपने स्तर से कार्रवाई कर लेंगे। मैंने बोला आवेदन लिख के दे दिया, नहीं क्या जाके आप देखो उसको। तो अभी तो है ना हमारे पास फोर्स नहीं है, शाम के टाइम हम आके अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। तुम तो अपना सामान जैसा है तलाश करके पूरा रखो। 1 से 1.5 लाख रुपए का माल गया और इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि रात में इधर की गश्त लगाई जाए, क्योंकि ये व्यापारी मार्केट है। आए दिन इधर इसमें अच्छे आते हैं, दीवारी धरा भी आते हैं, सट्टे वाले आते हैं, तो उनकी क्या थोड़ा रोक करी जाए इधर। इधर रात को हमारी जो चोरी हुई है तो हम बकरे यही छोड़ के जाते हैं, हमारी ये दुकानें हैं, इनका माल यहीं पर ही रहता, इससे हमें डर बैठ चुका। अब हमें यहाँ दुकानों पे कैसा माल छोड़ेंगे, इसलिए हमें पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि रात में 12 बजे के बाद इधर गश्त लगा दी जाए। कोई भी अगर फालतू आदमी या लड़का या कोई भी नजर आए तो उसे इधर देखा जाए, उनसे पूछताछ करी जाए कि भाई आप क्यों घूम रहे हो, क्यों नहीं घूम रहे हो। तो हमारा यही अनुरोध है पुलिस प्रशासन से।